हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. ऑलराइट, तो ठीक है, मतलब आज एक क्लोज डिस्कशन वाली क्लास हो सकती है. आज के टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं मोस्टली, कि जिसके अंदर हम थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं कि पेपर डाला कैसे जाता है, राइट, और कंटेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे. कुछ चीज़ें आपके लिए एकदम नई होंगी. पीछे है डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है उधर पड़ा, यहाँ से ले जाओ अगर काम है तो. बच्चे आप फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में? यस सर. आप पीसीएस के लिए कर रहे हैं? नहीं सर. ठीक है, पीसीएस की नोटिफिकेशन आने वाली है. पंजाब गवर्नमेंट ने जो वो फ्री में कोचिंग देते हैं, पंजाब गवर्नमेंट अंडर प्रिविलेज को फ्री में कोचिंग देती है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दी है उसके लिए, राइट. दैट मींस कि वो लोग 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं. तो ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल फर्स्ट हाफ के अंदर, फर्स्ट हाफ कहने का मतलब कि पहले 3 महीने या 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, राइट. तो उस नोटिफिकेशन का ये मतलब है. तो जो लोग पीसीएस में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए अब सुबह वाली घंटी बज चुकी है, ठीक है. इससे पहले आप लोग मज़े में तैयारी कर रहे थे कि आना है, लो आ गया, ठीक है. हाँ जी, इस बार वाला आंसर लिख के कैसा लगा? इट वॉज सीमिंग सिंपल, राइट. कि सिंपल तो बोल दिया, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या ही होगा. जब लिखने बैठे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग घुमा. स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की कोशिश करी है आपने? ये डॉक्यूमेंट लिया जा बच्चे यहां से. हाँ जी बच्चे, ऑनलाइन सबको गुड आफ्टरनून. बच्चे उनके लिए भी ले जाना है, एक और दो ले जाए. हो गए, पूरे हो गए. जैसे वो नहीं होता लंगर में, पहले वो देखते भी थालियां आ गई सबके पास, अब शुरू कर देते हैं. ठीक है जी, आइए. तो सबसे पहले हम कल्चर से शुरू करते हैं, राइट. थोड़ा अच्छा लगता है. जो भी नया आएगा ना उनको गाइड कर देना कि यहां से ले जाए पेपर. पढ़ा हुआ उधर, ये ले जाओ बच्चे, यहां से ले जाओ पेपर. अगेन द्रविडियन टेम्पल इन न्यूज. कुछ तो वैसे जो द हिंदू के जो एडिटर्स है ना, उनका जो ऑफिस है वो साउथ इंडिया में ही है. उनके मोस्टली एडिटर्स भी आपको साउथ इंडिया में दिखेंगे, तो एक वो भी रीज़न होता है कि आपको साउथ के टेम्पल्स की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है. बट आपके लिए उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है, जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है उसी को हाईलाइट किया जाता है. जी है नहीं, डॉक्यूमेंट आ रहा है, बैठ जाइए. बस
हाँ जी मुस्कान, आपको ये सारे बच्चों को थर्सडे तक आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग अगर आज कोई क्वेश्चन मिलता है तो आज वाला भी आपको जो है थर्सडे तक आप तक पहुंच जाएगा ऑनलाइन। मीनवाइल जो पुराने आपके आंसर्स हैं उन सबके ऊपर फीडबैक जा चुका है, आप उसको एक बारी देखिए और इनकॉर्पोरेट कीजिए। आप लोग जो ये फीडबैक आपको दिया जाता है आंसर्स के ऊपर, इस ये समझ में आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? नो टू फीडबैक्स विल बी अलाइक, राइट, फॉर ऑब्वियस रीजंस। नो टू आंसर्स आर अलाइक, राइट। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट जो भी आपको कहा जाता है। कुछ कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पर कुछ कुछ लोग को मैं सेम फीडबैक 3 बार दे चुका हूँ। लाइक बेसिक चीज़ें कि आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन करनी है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि किसी की फुल फॉर्म लिखी है उसको अंडरलाइन कर दिया, जहाँ पे आप स्ट्रेस देना चाहते हो वर्ड्स को। जैसे आप अगर कभी आंसर वगैरह पढ़ो कोई, तो जहाँ पे बोल्ड में लिख देते हैं, जैसे जब आपकी किसी से लड़ाई हुई होती है तो आपको टेक्स्ट आता है ना लंबे वाला, तो उसमें बाकी चीज़ें नॉर्मल होती है, एक कैप्स में होता है सडनली, तो आप भी उसको ऐसे अबे तुमने ऐसे बोला था, तो आप भी उसको स्ट्रेस दे के पढ़ते हो। एग्जामिनर सेम उससे पढ़ता है, राइट। तो व्हेन वी से कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन करनी है, वो वाली टर्म्स हैं कि जब आप उसको स्पीच की तरह पढ़ोगे, राइट, तो आप उस पर स्ट्रेस देने वाले हो। तो जिस चीज़ पर आप स्ट्रेस देना चाहते हो, राइट, तो उस चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है। और जितना ज़्यादा बढ़िया स्ट्रक्चर आप बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव आपका कंटेंट क्या है, राइट। जैसे अगर आप किसी सुलझे हुए इंसान के रूम में घुसते हो ना, तो आपको ना सारी चीज़ सही जगह पे लगी हुई दिखती है। तो जितना ज़्यादा आपका थॉट मैसी होता है उतना ज़्यादा आपका कमरा मैसी होता है, राइट। रिलेट मत करना, है ना, जो चद्दर की तह नहीं मार के आया कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही अगर आपका आंसर क्लटर्ड फील होता है ना, कि यार बहुत सारे ख्याल उड़ रहे हैं, इसको पता तो है लेकिन ये ना इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। UPSC मैनेजमेंट वाली जॉब ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आपको साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड लगाया हुआ है, आपको फिल्म इंडस्ट्री का भी हेड लगाया हुआ है, आपको इसका भी लगाया हुआ है, पता ना आपको फिल्म का है ना साइंस का है, बट यू नो मैनेजमेंट, उसी के पैसे है, राइट। तो सेम काम आपको आंसर्स में भी करना है आपका, इट्स नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब मैनेजमेंट दिखाई कैसे देगी? कंपार्टमेंटलाइज होके, कि अगर मैं आपके रूम में आप जाके देखते हैं वहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि ओके, इस जगह पे बुक्स पड़ी होती हैं, कपड़े फोल्डेड हैं, बेड यहाँ पे, राइट, एवरीथिंग इज डी क्लटर्ड। तो आंसर्स में जैसे ही वो चीज़ दिखाई देती है, इमीडिएटली आपका जो स्कोर है वो बेटर हो जाता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? और जिनके भी फीडबैक जिनको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे 11-12 के बजे के आसपास आ जाता हूँ ट्यूसडे को, राइट। तो आप लोग आ सकते हो कि इस फीडबैक का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, और ग्रेजुएशन किस किस की हो चुकी है एक बार मुझे फिर से बताओ। हो भाई साहब, अच्छा आप लोग तो तलवार पे ही चल रहे हो, ठीक है। तो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप एक एडिड बट एक नकली प्रेशर में जी रहे होंगे कि भाई सेटलमेंट है ना, आपके कोई साथ आसपास वाले की जॉब वॉब लग गई होगी, है ना, उसने वो फॉसिल की घड़ी खरीद ली होगी शायद, प्रॉबेबली, है ना, या वो घूमने चला गया होगा, आपके पास तो उस चीज़ का भी समय नहीं है। ये एग्ज़ाम की डिमांड है ये, राइट, आप लोग सोच के आए हो इसके अंदर, तो ये एडिड प्रेशर मत डाल। जिसके भी दिमाग में है, कंसीडर दिस एज अ साइन, और वो एडिड प्रेशर निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बाद कोई पूछता नहीं है कि अच्छा इतनी उम्र में किया तुमने, नहीं, नोबडी विल आस्क, एग्ज़ाम ही कुछ और है ये, राइट। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके, और वो वाला एंगल भी छोड़ देना, ये भी मेरे को कोई कुछ बच्चे मेरे को उनके चेहरों पर दिख जाता है कि घर वालों के पैसे लग रहे हैं, है ना, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं, वो उनका काम है, आपका काम पढ़ना है। अगर यहाँ ऑनेस्ट नहीं हो पढ़ने में, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, अदरवाइज ये फालतू की चीज़ें मत सोचना, ठीक है। और किसी का अगर ब्रेकअप हो गया या चल रहा है, ठीक है, ये होता है इस उम्र में, हो गया या चल रहा है, ये बहुत छोटी चीज़ है। जैसे अगर किसी बच्चे की वो है ना टॉफी खा रहा है, उसके हाथ से गिर जाए, तो वो कैसे रोएगा और ये सब करेगा, लेकिन आपको पता ये कुछ भी नहीं है, है ना, अभी रो रहा है बाद में ठीक हो जाएगा। सेम केस आप लोगों के साथ है, राइट। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, आपके डॉक्यूमेंट बस आ रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक पे चलते हैं जो थोड़ा सा इजी है समझने में। सेकंड टॉपिक पे आ जाइए बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, राइट।
ग्रीन वॉशिंग के ऊपर एक बारी क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ चुका है. देर इज अ पॉसिबिलिटी इसको पीसीएस कवर करे. अगर यूपीएससी कवर करेगा तो वो उस एंगल से कवर करेगा कि इंडिया में इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है. ग्रीन वॉशिंग प्री में पूछ लिया गया है अभी, राइट. एक जिसको नहीं पता, एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू the practice of making false or exaggerated claims about a product's environmental sustainability. देखो प्राइवेट सेक्टर का सीधा फंडा है कि उनको प्रॉफिट चाहिए, राइट. और सरकार काम कर रही है कि आपकी कॉन्शियसनेस जाग जाए सस्टेनेबिलिटी को लेके, समझ रहे हो बात को. तो प्राइवेट प्लेयर इसको प्ले करेंगे. जैसे आपकी कॉन्शियसनेस जागी कि यार आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो दे विल स्टार्ट लेबलिंग प्रोडक्ट्स एज इको फ्रेंडली, चाहे वो हैं या नहीं है. आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है. ये एक पीसीए स्पेसिफिक पॉइंट लिख लो. द टर्म वॉज क्वाइंड बाय आ गया सबके पास डॉक्यूमेंट डन सबके पास आ गया चलो. हाँ वैसे ये वाला सवाल देखो कितना वो है ना अनइंट्यूटिव सा है कि सबके पास डॉक्यूमेंट आ गए, सारे तो नहीं बोलेंगे हाँ. तो द क्वेश्चन शुड बी किसके पास नहीं आया, है ना. तो अभाव के अंदर वो बोलेगा कि है ना ठहरो ठहरो में हम रह गए हैं, वो फिर बता देगा कि मेरे पास नहीं है, है ना. दिस इज हाउ यू फ्रेम क्वेश्चंस. द टर्म वॉज कॉइंड बाय जे वेस्टरवेल्ड, जे ए वाई, इंडियन नहीं है ये, जय नहीं है, जे ए वाई वेस्टरवेल्ड, वी ई एस टी ई आर VELD in 1986. ये एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट हैं या थे मेरे को इसका नहीं पता है, पर एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये जिनका नाम लिया. द मोटिव इज टू, ये समझना इस लाइन को, द मोटिव इज टू यूटिलाइज environmental consciousness of the masses जैसे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ना आप लोग भी मतलब बहुत, आपको खैर नहीं पता नहीं लगता, किसी को भी नहीं पता लगता है, बट लेबल्स वगैरह भी गलत लगाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वो 100% कॉटन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे आर इको फ्रेंडली इन नेचर, बट उसके ऊपर जब आप लोगों ध्यान से देखोगे तो 100% कॉटन नहीं होता, उसके ऊपर 100 और कॉटन लिखा होता है, तो उसमें ब्लेंड होते हैं. लेकिन आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसके ऊपर ऐसे 100 कॉटन लिख दिया, ऑल वूल लिख दिया, और ऑल वूल उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है किसी ना किसी कंपनी का, तो ट्रेडमार्क वहां से ले लिया, लेकिन ठप्पा लगा दिया ऑल वूल, तो आपको लगेगा कि ये ऑल वूल है. तो ये सारी चीजें ग्रीन वॉशिंग के अंडर आती है, सारी चीजें, राइट. और एक इसका एस्पेक्ट और भी होता है कि अब कंपनीज इसको ना कॉस्ट सेविंग के लिए यूज करने लगी हैं. जैसे खासकर जो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, राइट, वो ग्रीन वॉशिंग को कॉस्ट सेविंग के लिए यूज करती है. हाउएवर इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्सो, राइट, बट ये कॉस्ट सेविंग का भी एक तरीका है ग्रीन वॉशिंग, है ना, कि आपने लेबल कर दिया कि हम आपको कम प्रोडक्ट्स, आप कम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है. ये ग्रीन वॉशिंग का ही एक एग्जांपल उसमें फॉल करेगा ये, राइट. आइए बच्चे अब इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर.
डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड किया गया, इट इज द स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू कंट्रोल ग्रीन वॉशिंग, राइट। सबसे पहले तो कि इट इज, ये आउटराइटली इट इज कंसिडर्ड एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच प्रोहिबिट्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो सीधा ही इसको स्टैट्यूट प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट, कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आप नहीं कर सकते मिसलीड, राइट। इसके अलावा BIS, जिसको हमने पिछले 2-3 क्लासों में काफी कवर किया है, इनका एक GPCS है, ग्रीन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, राइट, तो वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं इस चीज के लिए ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। इसके अलावा SEBI के कुछ ESGs भी हैं, विच इज ESG पता है आप सबको, आओ एक नोट लिख लेते हैं ESG के ऊपर, मिल गया ESG कहां लिखा हुआ है बच्चे, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि SEBI ने मैंडेटरी किया हुआ है लिस्टेड कंपनीज के लिए। फुल फॉर्म है इसकी एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस, एक ये टाइप ऑफ CSR एक्टिविटी की रिपोर्ट ही होती है ये, जिसमें आप एनवायरमेंट के ऊपर खासकर रिपोर्टिंग करते हो, है ना, बहुत आसान भाषा में अगर बताएं तो एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्पस लेड रिपोर्टिंग, पर्पस लेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये नाम है इसके, और समटाइम्स CSR रिपोर्टिंग। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉटल भी दे देना, लिखिए, इट इज अ डेटा, इट इज अ डेटा रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस ये लाइन रिडंडेंट है, लिखवानी नहीं चाहिए पर समझने के लिए जरूरी है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस, ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर आप सेकेंड लास्ट पॉइंट देखेंगे, ये आपकी ग्रीन वॉशिंग हमने समझा अभी, और ESG क्या चीज होती है ये वाली बात, ठीक है, आइए बच्चे आगे देखते हैं। Then we also have ASCI, Advertising Standards Council of India, right? वो भी हमारा एक watchdog की तरह काम कर रहा है, और पिछले कई साल से ASCI जो है वो न्यूज में आ रहा है, लेकिन UPSC ने टच नहीं किया इसको अभी तक, बट क्योंकि ये इस साल भी 2-3 बार रिपीट हो गया है तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टैटिक का एक सवाल बन जाए इसके ऊपर, लेट अस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। सिर्फ प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, राइट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956,
85 में बना तो 56 के एक्ट से ही बनेगा ये, राइट। बाय द वे, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि ये मैकडी वगैरह की एड्स आती हैं, उसमें जो वो प्रोडक्ट शो करते हैं और जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत फर्क आता है। तो जो इस चीज़ को एड्रेस करती है एजेंसी इज दिस वन, कि आपने मिसलीडिंग एड शो करी है, आपने ऑल वूल प्रोडक्ट बोला था, आपने ऑल कॉटन प्रोडक्ट बोला था, आपने फोटो इस चीज़ की लगाई है और नीचे एक डिस्क्लेमर नहीं दिया, तो इन्होंने नोटिसेस जो हैं जारी किए थे और उसके बाद में नीचे ऐड के साथ में वो स्टार मार्क करके चलना शुरू हुआ था कि द प्रोडक्ट में डिफर फ्रॉम द पिक्चर शोन, राइट आफ्टर दैट। तो ये एजेंसी इस तरीके से काम करती है। लिखिए, इट इज अ वॉलंटरी कॉमा सेल्फ रेगुलेटरी काउंसिल registered as a non-profit company. एक नोट डाल लो इसके साथ ही, जिसके ऊपर प्री के सवाल फंस सकते हैं आपके। It is not a government body. Note, it is not a government body and is not responsible for formulating and is not responsible for formulating rules for general public. ठीक है, तो इससे आप चीज़ को, इसमें आप एक चीज़ और समझिए कि ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा, राइट, कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर अगर कोई चेक रख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो कंज्यूमर सेंट्रिक हुआ। तो मान लो अगर चार ऑप्शन आते भी हैं तो उसमें सिर्फ ये कंज्यूमर सेंट्रिक है, राइट। ठीक है बच्चे, दैट इज ऑल इन दिस। इसमें जो दो तीन चीज़ें कवर करी हैं हमने जो आ सकती है पेपर में, इट इज़ ESG है ना, और अपने मेंस के आंसर्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपका ये काउंसिल, स्टैंडर्ड्स काउंसिल, आइए बच्चे फर्स्ट टॉपिक। ये रिकमेंड करते हैं और मतलब अब इनकी पहुंच है ना, जो काम इन्फ्लुएंसर करते हैं, हाँ, अवेयरनेस टाइप, इनका क्या इसमें बोर्ड होता है बच्चे, इसका एक एक गवर्नेंस बोर्ड होता है और एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल होती है, एक एक जो सारे कंज्यूमर से टच में रहेगा, एक गवर्नेंस बोर्ड रहेगा, वहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, वो लोग आपकी कंप्लेंट्स को देखते हैं और लास्ट में स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। और क्योंकि ये सीधा आपका DIPP के टच में रहता है, उसके अंडर ही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, राइट, तो इनके पास में उस तरीके से पावर है। जैसे मतलब आपका कोई दोस्त DSP लग जाए अगर, तो उस शहर में आपका चलान नहीं होगा, ऐसा पहले होता था अब होते हैं चलान, मोबाइल का ज़माना है, राइट। आइए बच्चे इसमें आ जाओ, तो इसकी रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट सामने आया है, दिस इज द टेम्पल, राइट, एंड इट्स अ 1000-year-old टेम्पल। आपने राजेंद्र चोला वन, उनके बारे में पढ़ा होगा, जिनको क्या बोलते हैं, और चोला एम्पायर के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, जिन्होंने गंगाईकोंडा, इनको और किस नाम, मतलब क्या इनका टाइटल है, जिन्होंने टाइटल एज्यूम किया था, और उसके बाद में एक शहर भी है गंगाईकोंडापुरम, राइट, वो इनके इनके नाम पे ही रखा हुआ है, राइट। तो इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, राइट, और इट्स अ 1000-year-old टेम्पल, और अब इसकी रेस्टोरेशन इनिशिएट हो रही है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इज दिस पर्टिकुलर टेम्पल, राइट,
एंड साथ में दैट पर्टिकुलर राजा, राइट। इन दो चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। आइए बच्चे देखते हैं। सो द टेम्पल इज कॉल्ड नागनाथ स्वामी, राइट। एंड नाम से पता लग रहा होगा कि नाग और नथ दोनों चीजें आ गई है, तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इन केस बाय चांस, जैसे अभी तो मैं आपको सारी चीजें बता ही देता हूँ, अगर एग्जाम में कुछ आता भी है ना आपको ऐसे, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो हमारी कहने की बात है कि नॉर्थ और साउथ की लैंग्वेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इतना है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द एक आपके आप में से सबका किसी ना किसी का दोस्त अगम नाम का दोस्त होएगा, राइट। अगम सुना है ना, अगम। सो इट्स अ तेलुगु वर्ड जिसका एग्जैक्ट वही मतलब है जो अगम का सोच के रखा गया था, अंदर की बात, राइट। तो वैसे ही कल्चरल हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत कॉमन है। एंड तेलुगु इज कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न लैंग्वेजेस, है ना। और मोस्टली ये अगम वर्ड तेलुगु में यूज किया जाता है, राइट। तो जस्ट आपको मैं हिंट बता रहा हूँ कि कैसे आपका जो ये टेम्पल्स वगैरह हैं, अगर कभी फंस जाओ तो आप दिमाग लगा सकते हो, वो ठीक ही निकलेगा, राइट। आइए बच्चे, ऑल्सो नोन एज कैलाश मुदयार टेम्पल, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज करके करेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना, इसको अभी याद कर लेना और फोटो दिमाग में छाप लो, इसको देख लो, ये है कैलाश मुदयार टेम्पल, नागनाथ स्वामी, दिस इज द टेम्पल, राइट। और ये सिंगल स्टोरी का टेम्पल है, इसका विमान जो है ये सिंगल उसका ही है, प्लेन का, राइट। इसको एक ताल बोलते हैं, लिखा भी हुआ है इसमें, बताता हूँ अभी एक ताल क्या होता है। बिल्ट बाय राजेंद्र चोला वन, राइट। इनके बारे में लास्ट में लिखते हैं शॉर्ट नोट, ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं बच्चे। एज एनी द्रविडियन टेम्पल, है ना, जिसको रेस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट है, इट ऑल्सो हैज स्टोन स्कल्पचर्स, मकर थोरांस इज आर्चिज, ब्यूटीफुल आर्चिज होती हैं, जब एंट्री करते हैं ना आप तो आर्च बनी होती है एक, राइट। उसके ऊपर में अलग अलग कहीं पे इंस्क्रिप्शन होती है, कहीं पे स्कल्पचर्स होते हैं, तो वो डेकोरेटेड जब होती है उसको मकर थोरांस बोला जाता है। तो अगर वो हर गेट के ऊपर कर दोगे तो हम बोलेंगे कि हर जगह मकर थोरान था, ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक ताल विमान जो मैं आपको वो बता रहा था, एंड अ मुख मंडप, मेन हॉल, ठीक है जी। एक मेन हॉल है और एक ताल विमान है। यहाँ पे साइड पे लिख लीजिए आप एरो डाल के, द्रविडियन विमानस, विमान समझते ना, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, साउथ में मंदिर की छत को विमान कहा जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ विमान। अब हमें नहीं पता कि विमान का वहां से उठा के विमान रखा गया है या फिर यहां से उठा के विमान रखा गया, पर विमान इज अ वेरी रीसेंट फिनोमिना, दीज आर कॉल्ड विमान फ्रॉम, हाँ मतलब एक एपिसोड बना सकते हैं इस बात पे तो हम। द्रविडियन विमानस कैन बी क्लासिफाइड एज वन स्टोरी, ब्रैकेट में लिख लो एक ताल, टू स्टोरी द्विताल, थ्री स्टोरी त्रिताल, एंड सो ऑन। जहां पे मुखमंडप वाली लाइन है बच्चे, उसके अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, आप एक्सीलेंट स्कल्पचर्स ऑफ भिक्षातन, अदावलन एंड गणपति डेकोरेटेड साउथ, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऊपर उसमें मेंशनड है, राइट। एंड इसके अलावा नॉर्थ के अंदर वी हैव गंगा दरार, दुर्गा एंड अमी अपार, राइट। नाम अजीब से लग रहे होंगे सारे, अभी ये आपने सारे सुने हुए हैं बच्चे, आपने सारे सुने हुए हैं। तो अभी जब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने कभी ये वर्ड सर्च ना किए हों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
अदरवाइज ये वर्ड्स देख के पेपर में घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सारे सुने हुए हैं आपने. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. नाउ दैट द वर्ड भिक्षातना, इट रिप्रेजेंट्स शिवा एज सुप्रीम बेगर. भिक्षा नहीं लेते, राइट? अब लिख सकते हो अगर इफ यू वांट टू राइट इट डाउन एरो डाल के. भिक्षातना इज शिवा एज सुप्रीम बेगर. अदावलन, सोच के देखो. अदावलन इंस्टीट्यूट्स के नाम भी होते हैं साउथ में, राइट? जो कि आपको डांस सिखाते हैं. और क्योंकि चोला एम्पायर है तो डांस से रिलेटेड क्या चीज होगी? नटराज. सो नटराज इज कॉल्ड अदावलन. वैसे ये एक आर्ट फॉर्म है, डांस ऑफ शिवा को बोला जाता है अदावलन, जिसको नॉर्थ में हम लोग तांडव बोल देते हैं, राइट? सो ये वही चीज है बच्चे. गणपति तो नहीं बताने की जरूरत, कुछ कुछ गॉड्स फेमस है ना. इसके अलावा अम्मी अपर, अम्मी और अप्पा, मदर मदर एंड फादर, तो उनकी कंबाइंड फिगर को अम्मी अपर बोला जाता है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. मदर फादर लिख, मदर मदर डैश फादर. तो ऐसे इन टॉपिक्स को टेंजिबल बनाया जाता है. सो वंस यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, आपके लिए कल्चर को ज्यादा मुश्किल चीज नहीं रह जाएगी. ऐसी एक हंच थी, मेरे को फीलिंग थी कि शायद हो सकता है आप लोगों ने इस एंगल से ना सोचा हो कि ये है क्या, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम क्यों है. वर्ड्स वही हैं, कुछ कुछ ज्यादा उनमें फर्क नहीं होता है. इसके अलावा यहां पे देर इज अनदर किंग जिनकी इंस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है यहां पे. कुलोथुंगा वन नीचे नाम मेंशनड है, एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ कुलोथुंगा वन, इट इज कॉल्ड एज तमीज कुतु, लास्ट में लिखा हुआ है, राइट? इट इज, लिख लीजिए इसको भी बच्चे एक बार. आप रेफर्स टू ग्रांट ऑफ लैंड. रेफर्स टू ग्रांट ऑफ लैंड कॉल्ड एज कुथू कानी, KOTHUKAANI. इस रीजन में, पंजाब रीजन में खासकर हमें इन चीजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. जिन जगहों पे अपना कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, राइट, और कुछ कुछ और स्टेट्स हैं, तो आप लोगों के लिए दूसरे कल्चर के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. इसीलिए आप लोग देखोगे कि हम लोग कम जाते हैं ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए. हम लोग प्रेफर करते हैं PCS ही निकल जाए, है ना, और 3-4 साल में डेपुटेशन पे हम इधर आएंगे चंडीगढ़, और फिर 3-3 साल की एक्सटेंशन लेके नौकरी निकाल देंगे, राइट? तो हम लोगों की कम टेंडेंसी है इस टाइप के वर्ड्स की, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर. पर UPSC पूछता है आपको तो वो कहीं भी लगाएगा, है ना, तो बैलेंस सा पेपर आता है. ईस्टर्न, ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, साउथ की भी पूछी जाती है. नॉर्थ की खासकर पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रही है, 6-7 साल हो गए एक भी सवाल नहीं आया कि इधर की लैंग्वेज से कोई सवाल आ जाए. मोस्टली यही वाली से आते हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं. दैट इज़ वाई इस रीजन का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन गया है पिछले कुछ साल में. अब नोट, मतलब जब आती है ना फाइनल लिस्ट आती है, अगर आप देखोगे ये पूरा रीजन ही थोड़ा सा रिजल्ट डाउन दे रहा है. कुछ तो दिल्ली का क्राउड काटना था उनको, UPSC को, तो पेपर फैला दिया, है ना, कि दिल्ली में जो तुम तैयारी करवा रहे हो उसे डालना ही नहीं, छोड़ दो. तो थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर आने लग गया है. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर हम कर ही रहे हैं तैयारी पैन इंडिया के लिए, तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर. इसके साथ में ना एक और चीज है, वो कंफ्यूज मत हो जाना. एक और टर्म है कुथू, जो वर्ड है, इट इज अ फोक थिएटर आर्ट ऑफ तमिलनाडु. ऑल्सो कॉल्ड थिरु कुथू, THERU, एक ही वर्ड है ये, KOTHU. ये कुथू को पूरा नाम इसका ये है. तो कुथू और थिरु कुथू कुछ भी लिखा जा सकता है आपको, और तिरकट से आ रही है ये, अगर आपको समझ में आ रहा है तो. हाँ भी अरमान, दूसरे टॉपिक में लड़ाई निकल गई तेरी. वो गाना है ना, अंगड़ाइयां लेती है जब तू, क्या हो.
यार फ्रंट पे बैठा यार, उसने ऐसे बड़ी सी अंगड़ाई ले दी तो फिर मेरे को भी गाना याद आ गया, क्या इसमें कुछ बात भी हम कुथू की कर रहे हैं। कल ट्रिप जा रही है तुम्हारी, कौन कौन जा रहे हैं ऐसे? चल नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा तो नाम पढ़ लिया था मैंने पोस्टर्स पे, त्रिदेव हमारे। ठीक है, नहीं नहीं मैं भी नहीं जा रहा, जो नहीं जा रहा ठीक है कोई बात नहीं। और शी सेड दे विल मिस आउट ऑन समथिंग, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, इकोनॉमी की टर्म है बच्चे ये। द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फोरगॉन इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं पीयू हो सकता था, आप लोग कसौल हो सकते थे, है ना, बट वो हमारी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने छोड़ दिया। तो हर एक मेन अपॉर्चुनिटी की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जिसको हम बहुत कॉन्शियसली भरते हैं। तो यू कैन यूज दिस टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन योर आंसर्स ऑल्सो, राइट? थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। मेरा ट्रिप पे बात करने का मन नहीं था तो मैंने टॉपिक पलट दिया है। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे राजेंद्र वन के ऊपर लिख लेते हैं, कुछ प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते हैं क्योंकि इसको आप स्टैटिक में कवर करते हैं, राइट? ये फेमस रूलर्स में से है। ऑल्सो कॉल्ड, ये दिस इज राजेंद्र चोला वन, उनकी बात कर रहे हैं हम। ऑल्सो कॉल्ड गंगई कोंडा, जी ए एन जी ए आई के ओ एन डी ए, गंगई कोंडा का मतलब एक तो वो होता है कि जिसने रूल कर दिया, जीत लिया। यहां पे टर्म का एग्जैक्ट मतलब है कि द ब्रिंगर ऑफ गंगा, जो गंगा का पानी वहां से लेके आया, तो ये गंगा का पानी वहां से भर के लाए थे, कामा टाइप नहीं होता तो वैसे कावेरी में लेके आए थे, तो दैट्स वाई कॉल्ड गंगई कोंडा। हाउएवर इन्होंने वो जीत लिया था वो एरिया पूरा, साउथ के रूलर्स ने बहुत कम ऐसा किया है कि साउथ का रूलर ऊपर तक आया है, नॉर्थ वाले नीचे नहीं जा पाते थे, समहाउ विंध्या डिवाइड्स, राइट, विंध्या सतपुरा डिवाइड समहाउ, राइट, तो नीचे वाले ऊपर नहीं जाते थे, ऊपर वाले नीचे नहीं आते थे, राइट, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक है। ही लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन, टू द गंगा, ये अगर किसी का वीजा लगने वाला तो गैंजेस, है ना, थ्रू ओडिशा एंड बंगाल, कॉमा ब्रिंगिंग द गंगा वाटर टू हिज न्यू कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, टू हिज न्यू कैपिटल, ये एक ही वर्ड है, गंगई कोंडा चोलापुरम, टू हिज न्यू कैपिटल गंगई कोंडा चोलापुरम, ब्रैकेट में लिख लो इन कावेरी डेल्टा, वहां है ये। Also had a campaign against, also had a campaign against Sri Vijaya, S R I V I J A Y A, ये जगह का नाम है, ब्रैकेट में लिख लो, ये वो है सुमात्रा एंड सदर्न मलेशिया, एंड सदर्न मलय पेनिनसुला लिखना, मलेशिया तब नहीं था, सुमात्रा एंड सदर्न मलय एम ए एल ए वाई पेनिनसुला। समझ में आ रहा है कि नीचे भी कैंपेन कर रहे थे और ऊपर तक भी कैंपेन कर रहे थे, ये क्या कंट्रोल करना चाह रहे थे उस समय का, ट्रेड रूट, और किस चीज का ट्रेड रूट, किसका, वाटर का ट्रेड नहीं होता,
सोचो कि किस चीज के लिए अभी भी हम साउथ इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? स्पाइसेस। ये स्पाइसेस का ट्रेड कंट्रोल करना चाह रहे थे क्योंकि आपका ये वाला एरिया भी ट्रॉपिकल है, सुमात्रा वाला, वहां पे भी स्पाइसेस हैं, वहां पे भी आपको कार्डमम मिलेगा, इलायची, ठीक है। तो ये वो वाला सारा ट्रेड कंट्रोल करना चाह रहे थे जो कि आपका यूरोप से चल रहा था, राइट। तो वो मकसद था, तो इसीलिए नेवल एक्सपेडिशन भी चल रही थी और साथ में बाय लैंड ऊपर को भी एक्सपेंशन हो रही थी। और क्योंकि इतना सारा पैसा है अब, तो इस वजह से आपको नटराज जैसी आर्ट भी देखने को मिली है कि जब आपका पेट भरा होता है और आप सिक्योर होते हो तभी आपकी आर्ट निकलती है, है ना। कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, आर्ट आपको तभी फ्लरिश होती हुई मिलेगी जब शांति थी और अनाज था, इसके अलावा आर्ट नहीं होती है। इसके अलावा फिर आपको यही देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी उसकी, वुमेन कंडीशन क्या, जब पढ़ते हो आप उसमें, वहाँ पे आर्ट की बात नहीं होती उन टॉपिक्स के अंदर। आर्ट की बात ही वहाँ होगी जहाँ पे शांति होगी। इवन मुगल्स के साथ में भी यही सीन था कि देर इज़ अ रीज़न कि आपको बाबर के टाइम पे आर्ट कम देखने को मिलती है, लेकिन इमीडिएटली जैसी राज एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में यू विल सी कि हुमायूं के बाद से, राइट, हुमायूं, अकबर एंड इनके बाद से आप देखोगे तो आर्ट एकदम से फ्लरिश हुई है, आर्किटेक्चर एकदम से फ्लरिश हुआ है क्योंकि शांति थी। इसीलिए जब ये वर्ल्ड में एजिटेशंस वगैरह होती हैं तो सबसे पहला नुकसान इन्हीं चीज़ों का होता है, राइट। और अनलकीली आप लोग तो रह भी ऐसे एरिया में रहे हो, हर दूसरा दिन एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का, कभी इजराइल पैलेस्टीन, कभी अर्मेनिया अजरबैजान, रशिया यूक्रेन, इंडिया कैनेडा, एवरी सिचुएशन इज़ अ टर्निंग पॉइंट, एवरी सिचुएशन विल अफेक्ट यू गाइज डायरेक्टली क्योंकि आप लोगों ने तीर उड़ाया है ना, यूपीएससी वाला। आइए बच्चे आगे चलते हैं। अगेन एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट येट इफेक्टिव। सीजन आने वाला है दिल्ली में, अभी दिल्ली के ऊपर जो हवा है वो थोड़े टाइम में स्टेग्नेंट हो जाएगी। अभी थोड़ी बहुत हवा चलती है, उसके बाद में हवा स्टेग्नेंट हो जाती है, मतलब एयर कैन एंटर दैट एयर डोम। दिल्ली के ऊपर एक एयर डोम बनता है तो दोनों तरफ से हवा आती है, पंजाब वाली तरफ से भी हवा दिल्ली की तरफ जाती है एंड उस तरफ से भी हवा दिल्ली की तरफ आती है एंड दिल्ली के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। ये कारण है दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने का ज्योग्राफिकली, राइट। इसके ऊपर केस स्टडीज़ हैं प्रॉपर, है ना, वो केस स्टडी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, पर दिल्ली का एक इन्होंने 15 पॉइंट एक प्लान निकाला है, विंटर एक्शन प्लान। तो ये आपको इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ जस्ट बिकॉज कि अगर इसके ऊपर कोई आंसर लिखने को आए आप लोगों को, राइट, तो इस तरीके से डिटेल में जब लिखने हैं तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाए जाते हैं, राइट। दे आर एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ यू। इफ यू लुक एट द डेटा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा है बाय द वे, है ना। किसने दिया था AQI, किसने बनाया हुआ है? हाँ ठीक जा रहे, सी तक तो ठीक है, CPCB, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल। तो अभी तक जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक एक्चुअली हवा ठीक रहती है दिल्ली में, ये दिल्ली का ही डेटा है। सडनली अक्टूबर के बाद में ये प्लंज करता है टिल जनवरी और उसके बाद में फिर से हवा शुरू होती है, राइट, एंड पोल्यूशन गेट्स क्लियर्ड, राइट। सो ये प्रॉब्लम है दिल्ली की। और अगर आप देखोगे बाय द वे 450 प्लस को सीवियर प्लस की रेटिंग दी जाती है, लाइक 450 एंड अबव इज सीवियर, 450 एंड अबव इज सीवियर प्लस, तो ये सीवियर प्लस की कैटेगरी में जाता है, इससे ऊपर मेजर ही नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। और जिसको AQI नहीं पता कि क्या क्या वो मेजर करता है, आप साइड पे लिख लेना, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट कि AQI में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ये प्रॉब्लम है एट हैंड हमारे, ठीक है। और सरकार चुनी हुई है और सरकार दावे करती है हर साल, अब वो जो दावे हैं, है ना, अब उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग, 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। आपकी रिवीजन आसान हो जाए तो इसलिए पहले लाइन में ही मैंने वो दे दिया कि नोटेबल मेजर्स इंक्लूड 800 इलेक्ट्रिक बसेस। आप ये देखना है, आपने इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा याद, कि करते कैसे हैं। 23% ग्रोथ इन ट्रीज, पावर सप्लाई इंप्रूवमेंट्स एंड पोल्यूशन हॉटस्पॉट, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और जब आइडेंटिफाई हो जाए तो वहां पे व्हीकल्स जानी बंद करवा दो, राइट।
और इसलिए आपको ट्रैफिक पुलिस की जरूरत भी पड़ेगी, प्लस आपके एमसी की जरूरत भी पड़ेगी, है ना। तो आपको इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच करनी पड़ेगी। आइए बच्चे, लेट सी वन बाय वन, बहुत शॉर्ट के अंदर। पहले तो यही बात कि इन्होंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, एमसी, राइट, एंड अदर एजेंसीज। कि अगर आपने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो सारी एजेंसीज, क्योंकि एक मेन फंडा इनका ये भी है कि आपको ओपन बर्निंग नहीं करनी है गार्बेज की। आपके लिए बहुत अनयूजुअल साइट होगी है यहाँ पे, राइट, कि कोई कैसे कोई कूड़ा थोड़ी जलाता होगा, है ना, क्योंकि आपके यहाँ पे डिस्पोजल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इफ़ यू गो टू दिल्ली और तुम जाओगे गलियों के अंदर तो तुम्हें दिखेगा कि लोग झाड़ू मारते हैं, इंडस्ट्रीज इकट्ठा करती हैं सामान और गेट के बाहर ही उसको आग लगा देती हैं। उसमें क्या प्लास्टिक, क्या पीवीसी पाइप्स, क्या सब कुछ, राइट, इट हैपन्स अ लॉट। आप जाओगे आपको दिखेगा, राइट, तो उसके लिए भी प्लान है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग स्टबल बर्निंग। हालांकि ये दिल्ली के हाथ में कम है, है ना, बाकी स्टेट्स के हाथ में ज़्यादा है और स्टेट्स इस पर काम कर भी रही हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं, चेकिंग ओपन गार्बेज बर्निंग, सिंपल इनफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन हॉटस्पॉट, बाय द वे 13 हाई पोल्यूशन हॉटस्पॉट दिल्ली गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर भी चुकी है ना। उस आपके लिए खैर वो इतना रेलिवेंट नहीं है, पर उसकी भी अलग से केस स्टडी बनती है कि क्यों है वो हॉटस्पॉट्स, राइट, और क्या किया जाएगा वहाँ पे, राइट। आपको ये सवाल पूछेंगे वो इस एंगल पे पूछा जाएगा, पर वो इंट्यूटिव है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। ग्रीन वॉर रूम, राइट, एक अलग से एरिया आइडेंटिफाई कर दिया, है ना, एक कंट्रोल रूम बना दिया। इको ई वेस्ट पार्क, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इसमें सारे, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया गया है। व्हेन वी टॉक की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इसमें पब्लिक को भी पार्टी बना लिया गया है साथ साथ। इलेवन देखिए, एनहेंसिंग ग्रीन कवर। ट्वेल्थ, इंडस्ट्रीज विल यूज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल लाइक योर पीएनजी। इंडस्ट्रीज को पीएनजी पे चलाने की बात हो रही है और सारी इंडस्ट्री को पीएनजी पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, जिसके ऊपर सवाल आ सकता है आपके पीसीएस के अंदर, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, है ना, एक्शन। वो पूछेंगे आपको कि जीआरपी, जो जीआरपी है ये, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इस टाइप का सवाल आएगा आपको, राइट। है बड़ी ये मज़ेदार चीज़ है ये, कि ग्रेडेड रिस्पांस कि क्या मतलब है इसका, कि आप प्रिडिक्ट करोगे, फोरकास्ट करोगे और उस हिसाब से रिस्पांस करोगे, राइट। आइए इसके ऊपर लिख लेते हैं बच्चे, आइए एक शॉर्ट नोट डालते हैं। मतलब ग्रेडेड रिस्पांस का मतलब ये हुआ कि जितनी जितनी प्रॉब्लम होगी उतना उतना रिस्पांस करेंगे। अगर सिर्फ भीड़ इकट्ठी हुई है बाहर सड़कों पे और वो सिर्फ नारेबाजी कर रही है तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती है, लेकिन अगर उन्होंने पत्थर उठा लिए फिर पुलिस लाठी उठाएगी, और सामने अगर वेपन दिख गया फिर पुलिस वेपन उठाएगी, राइट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडेड रिस्पांस, कि सामने से कैसा आ रहा है उसके हिसाब से आपको रिस्पांस करना है। सेम प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लगाया गया है। क्या है वो देखते हैं, आइए। इफ द फोरकास्ट इज, कॉलन डाल दीजिए और फर्स्ट, पुअर एयर क्वालिटी, अगर फोरकास्ट आपका पुअर का है एनफोर्समेंट ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन ओवर एज्ड व्हीकल्स, एज पर एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स। ये जब भी आप लोग उसकी बात करते हो ना, अक्सर आपके पॉइंट्स में वो आता है कि एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम है जी, रूल तो है एनफोर्स नहीं होता, वो जान पूछ के नहीं करती है सरकार,
अब देखो ग्रेडेड रिस्पांस के अंदर साफ उसने बोल दिया कि अगर ये पुअर के पार हो जाएगा तो हम गाड़ियां रोकनी शुरू कर देंगे जो ओवर एज है. दिस इज कॉल्ड ग्रेडेड रिस्पांस. तो हम रूल वही है, रूल नहीं चेंज हुआ. रूल तो पहले ही उसने बोल दिया कि 10 साल से पुरानी व्हीकल्स है ना ये नहीं आप कर सकते, दिल्ली में इतने बजे के बाद ये ट्रक्स नहीं एंटर होंगे, ये टाइम रहेगा उसका, इंडस्ट्रीज ये वो, एनफोर्स होना शुरू हो जाएगा राइट, ताकि पब्लिक को भी परेशानी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये हेल्थ हैजर्ड है. आप लोग सांस ले रहे हो उसी हवा में जिसको वो बचाने की बात कर रहे हैं. आइए नेक्स्ट इज वेरी पुअर एयर क्वालिटी. समझ में आ रहा है ये सिंपल टॉपिक है. ये इंटेंसिफिकेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स. ये पानी वानी छिड़कने लग जाते हैं ना, या मिट्टी बैठ जाए रोड्स के ऊपर, रोड्स के साइड पे कंस्ट्रक्शन को कवर करना शुरू करवा देते हैं, तो वो यहां पे शुरू होता है. नेक्स्ट इज सीवियर एयर क्वालिटी, थर्ड वन. स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन BS3 इंजन्स. BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल. In Delhi as well as NCR region. In Delhi as well as NCR. R का मतलब ही. तो जब वो देखते हैं ना वो odd even rule शुरू हो जाता है right? So it is here. जब सीवियर एयर क्वालिटी का इंडेक्स की फोरकास्ट आता है ना तो ये ऑड इवन वाला भी शुरू हो जाता है. तो दिस इज द ग्रेडेड रिस्पांस जिसकी मैं बात कर रहा था. इसके अलावा देयर इज अनदर वन सीवियर प्लस. सीवियर प्लस, प्लस का वो साइन वाला प्लस. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फिजिकल क्लासेस. ऑफ फिजिकल क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स. कॉलेज बंद नहीं होते, स्कूल बंद हो जाते हैं. अगर 10वीं के पेपर हैं उन दिनों में तो पेपर होते हैं, क्लासेस नहीं लगती हैं. 11वीं के पेपर भी रोक देते हैं राइट. छोटे बच्चों को तो पूरी छुट्टी है, 6 से लेके 11 वालों की एक्सक्लूडिंग 10, उनके एग्जाम्स वगैरह भी रोक दिए जाते हैं. तो ये सब होता है. तो दिस इज कॉल्ड GRAP. वो भी लिख लो साथ में. AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज गिवन बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. उसमें ना इसके नीचे आप ये चीज भी लिख लो कि जस्ट उसके बिलो कि 0 to 50 इंडेक्स की बात हो रही है. 0 to 50 इज गुड. ये आया हुआ है क्वेश्चन एक बार इस टाइप का. एग्जैक्टली ये नहीं, दूसरे इंडेक्स के ऊपर सवाल आया था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कलर कोडेड है ये सारा. 0 to 50 इज गुड. 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री. दिल्ली गुड में आता ही नहीं है ना, पूरे साल ही नहीं आ पाता है. हंड्रेड एंड वन टू टू हंड्रेड इट्स मॉडरेट. टू हंड्रेड वन टू थ्री हंड्रेड पुअर. थ्री हंड्रेड वन टू फोर हंड्रेड वेरी पुअर. फोर हंड्रेड वन टू फोर फिफ्टी हाँ सिवियर. एंड
450 प्लस इज सीवियर प्लस। ये पीसीएस वाले खासकर इसको याद कर लें, ये तीन चार ही फैक्ट्स हैं इसमें, ये आ सकता है आपके पेपर में। और सारा ये कलर कोडेड भी है, सो आई एम थिंकिंग कि आपके आंसर्स को भी कलर कोड करके बता दिया करूँ मैं, है ना, कि कौन सी कैटेगरी में लाया करते हो आप। चार पांच कलर के पेन रखने पड़ेंगे बस। ठीक है बच्चे, इसके अलावा ना नेशनल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो कि आप एयर पोल्यूशन के लिए आपको पता होने ज़रूरी हैं सारे, तो आई एम गिविंग यू द लिस्ट, और जिस दिन आपका मन करे कि सिलेक्ट होना है वो देख लेना, उसको पढ़ लेना उन सारे को, राइट। नंबर वन इज सफर पोर्टल, कैपिटल्स में SAFAR, ये इनिशिएटिव्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, अगर हेडिंग कोई जिसको नहीं समझ में आ रही है, ये बच्चे आपका वेदर फोरकास्टिंग और उसका पोर्टल है, ये एयर पोल्यूशन के लिए। हाँ, इसके अलावा AQI तो आपने देख ही लिया, GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो भी हमने देखा, दिल्ली, ये दिल्ली स्पेसिफिक है, BS6 इंजन्स की ग्रेडिंग होती है ये, NAMP, NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP, NAMP। इसमें चार पॉल्यूटेंट्स कवर होते हैं वैसे, ये भी लिखना है तो लिख लो नीचे ब्रैकेट में, कमी भरोसा है मेरे को आप पे कि आप जाके इन सबको सर्च मारोगे। चार पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करते हैं ये, SO2, NO2, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 एंड PM10। ये जितने भी हमारे AQI और जितने भी इंडेक्सेस है ना, इसके अंदर कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स कवर्ड है, तो अगर सवाल बनता है तो वो इसी टाइप का बनेगा कि आपको अगर दो नाम दे दिए कि इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, या तो वो पूछ लेगा, या कॉमन नहीं है कौन से वो पूछ लेगा, तो इसके लिए वो कॉम्प्रिहेंसिवली पता होना चाहिए। आइडियल तरीका यही है कि इन तीनों चारों को जब आप पढ़ोगे खुद ही पैटर्न देख लो कि कौन सा किस में इंक्लूडेड नहीं है, और उसको एक्सप्लिसिटली साइड पे मेंशन कर दो। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर नहीं होती है, CO2 मेजर नहीं है उसके अंदर, लेड और अमोनिया है, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करनी है कि यार ये क्या पूछा जा सकता है। अब इसमें सिर्फ NO2 है, देर आर सर्टन जो BS इंजन है ना उसमें NOx, उसमें NO2, NO है ना, उसको NOx बोलते हैं, राइट, तो उसमें वो है, तो ये डिफरेंस होता है छोटी छोटी बातों का ना इसमें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चले बच्चे आगे आ जाओ, अगेन अनदर टेंजिबल प्रोजेक्ट, आपको एक टॉपिक आया है, थोड़ा रिलेट करना आपको इसमें, शायद मज़ा आएगा। जब मेरे को ये रियलाइज हुआ ना कि अच्छा ये वो चीज़ है, सो आपने आपको भी जब पार्टीज़ वगैरह में जा भी, जैसे शादियों का सीज़न आता है ना, और आपने जो, क्योंकि पंजाब एरिया तो ओपन में पार्टीज़ होती है फार्म हाउसेज में, है ना, और साथ में वो पेड़ वेड़ लगे होते हैं उधर, आप अगले दिन बीमार हो जाते हो पार्टी के बाद में, और आपको पहला शक जाता है कि यार खाना ऑयली था, है ना, या कुछ ऐसा, या आपने पूल पार्टी पे चले गए तो भी आप बीमार हो गए हो, और वो होती क्योंकि इसी सीज़न के दौरान है, गर्मियों में हो नहीं सकती, है ना, यही सीज़न के दौरान में ये सब होता है और आप बीमार हो जाते हो। दैट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ट्री, ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है, कोनोकार्पस बोलते हैं इस ट्री को, राइट। सो ये पर्टिकुलर ट्री कुछ पॉलन्स छोड़ता है जो आपको बीमार करता है, और क्योंकि ये डेंस है और इसको इस वजह से इसको शेप दी जा सकती है, इसलिए, और ये ग्रो जल्दी करता है, तो इस वजह से ये ऑर्नामेंटल जगहों पे यूज़ भी बहुत होता है, राइट। तो इसको गुजरात गवर्नमेंट ने कर दिया बैन, अभी पिछले साल तक खुद ही लगा रहे थे वो रोड्स के किनारे पे, पर अब जब उन्हें समझ में आया कि लोग बीमार हो रहे हैं तो बैन हो गया है। और तेलंगाना में पहले ही बैन था, और लास्ट ईयर हमने एक केरला का ट्री भी आपको बताया था, वो क्या था, वो सेना स्पेक्टेबलिस ऐसा कुछ नाम था उस ट्री का,
राइट, वो भी इन्वेसिव स्पीशीज है, क्योंकि ये दो तीन फैक्टर्स हैं इसके, जिसमें से एक मेन फैक्टर ये है कि ये पर्टिकुलर ट्री का जो पोलन है आपको बीमार करते हैं. नॉन नेटिव स्पीशीज है, होती नहीं है इस मिट्टी में ये जनरली खुद से, राइट, इन्वेसिव है ये स्पीशीज, राइट. तो इस वजह से ये है. तो कभी आप नोटिस करना कि सडनली सारे घर वाले आपके एक जैसे से बीमार हो जाते हैं, हालांकि सबने खाया सेम नहीं होता, है ना. तो टेंजिबल सा टॉपिक है, तो हो सकता है यूपीएससी आपको ले जाए इस तरफ को, वो पूछ लेती है. आइए बच्चे देखते हैं. सो कोनोकार्पस ट्री, ये एक टाइप ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज है. फर्स्ट स्टेटमेंट में ही है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना. दैट इज वाई इसको नर्मदा के आसपास लगाया गया था एक प्रोटेक्शन के लिए. वाइल्ड में ठीक है ये, है ना, बट है इन्वेजिव, तो आपका पानी भी ज़्यादा खींचती है ये, तो आपको बाकी प्लांट्स जो हैं वो स्टार्व हो जाते हैं एक तरह से इसके आसपास वाले, तो नेटिव स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाती. और जो आपके नेटिव जानवर हैं, पंछी हैं, पौधे हैं, वो पंछी हैं, वो जानते हैं आपके नेटिव ट्रीज़ को, ये उनके लिए नया होता है, तो इसमें घोंसले भी नहीं बन सकते, राइट. तो इन्वेजिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा लेवल पर आके नुकसान करती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेजिव, है ना, नहीं तो इमिग्रेंट स्पीशीज बोल देते इसको हम. ये एक जोक है जिस पर एटलीस्ट एक स्माइल बनती थी. आइए, इन्वेडर्स होते हैं ना, उनके साथ आप फाइट करते हो, इमिग्रेंट्स होते हैं उनको आप वीजा देते हो. हाँ ठीक है. वाह, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है रूम टेम्परेचर कंबाइंड आईक्यू से ज्यादा ही होगा. आ जाओ. सो गुजरात इज नॉट द फर्स्ट वन जिसने इसको बैन किया है ना, तेलंगाना ने इसको पहले कर दिया था, राइट. आइए बच्चे थोड़ा देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर आप, दे आर फास्ट ग्रोइंग एंड कैन बी ट्रिम्ड इनटू वेरियस शेप्स मेकिंग देम एन अट्रैक्टिव चॉइस. यही करते हो आप उसमें, है ना, फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, डेंस होना चाहिए ताकि आप उसको शेप दे सको, है ना, तभी पार्क के अंदर आप डियर बना सकते हो इनका. है ना, चंडीगढ़ में तो होता बहुत है ये, डियर होता है या एफ्रो बना देते हैं उसकी, है ना, उसके सामने फिर इंस्टाग्रामर्स रील्स बनाते हैं, है ना, फिर आजकल वो ऐसा भी आता है ना कि आप निकल जाते हो चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ आपके अंदर से नहीं निकलता लाइफ पर. एनीवे, भटकना नहीं है आप लोगों ने मेरी तरह. आइए बच्चे, मैंग्रोव स्पीशीज को अंडरलाइन कर लेना, अगर अगर कहीं फंसोगे तो ये है पॉइंट जहाँ पे फंसा जा सकता है. दो स्पीशीज कवर्ड है, दोनों ही बैंड है बाय द वे, दो स्पीशीज कवर्ड है इसके अंदर, वो मैंने नीचे आपको प्रोवाइड कर दी है, बट अभी के लिए इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हेंस गुजरात, है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की नेटिव स्पीशीज है ये. नेटिव टू द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. बाय द वे, जो केरला ने ट्री बैन किया था वो भी नेटिव टू इसी प्लेस का था, राइट. तो दैट मीन्स कि हमने एक समय पर गलती करी है और इनको भारी मात्रा में इंपोर्ट किया गया है फॉर देयर ब्यूटी, राइट. क्योंकि हमारी ब्यूटी, अगर सड़कों की ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो हमारा पैमाना, हमारा नापने का मापदंड जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं. तो समहाउ आई थिंक कि कोई, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, कोई गया होगा पॉलिटिशियन ऑफिस टूर पे और वहाँ से ट्री ही ले आया कि इसको लगाएंगे हम राजभवन के रास्ते पे, कितना बढ़िया लगेगा, है ना. दैट्स वाई आप जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट, एक जो जनरल साइंटिस्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है कि कोई गाइड कर सके कि नहीं यार इन्वेसिव स्पीशीज़ है. सेम वो जो हमने टर्टल पढ़ा था एक, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर, क्या था वो, रेड ईयर्ड समथिंग टर्टल. तो ये भी टर्टल ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ को लेके आते हैं, घर में पाले नहीं जाते, फिर कई लोकल छोड़ देते हैं और वो कम्पिटिटिव होते हैं तो वो बाकी जानवरों को जीने नहीं देते, है ना. आइए बच्चे और देखते हैं इसके. And it is widely used in beautification of public spaces, residential societies and factories. कहीं पे भी आपको beautification करनी होगी, greenery लगानी है, right? So आप इस tree का use करते हो, अब ये आपको नहीं करना है. ये greenery को भी देखना मतलब आपके लिए एक meditative चीज़ होती है. That's why we plant trees ornamentally, right? आप constant communication में हो इनके साथ में, वही carbon dioxide, oxygen का लेन देन जो रुक नहीं सकते हम. दैट्स वे हमें हरा देख के अच्छा लगता है, राइट. आइए बच्चे, एक ना आप साइड पे टॉपिक यहाँ पे डाल लीजिए, कंसर्न्स क्यों बैन किया है,
है ना, यहाँ पे मिसिंग है ना पूरे उसमें ये बच्चे, इन बिटवीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कहाँ कहाँ पे ये है, इट ऑल्सो जो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे पेज नंबर 4 पे, तो यहां से आपको एक और चीज हाईलाइट होती है कि अगर इस टाइप की कोई स्पीशीज होती है जिसमें एरिया ही दे दिया तो वो डेफिनेटली किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती होगी, वो एटलीस्ट 2 या 3 कंट्रीज में होगी क्योंकि रीजन बड़ा होता है ना। तो अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इट बिलोंग सोनली टू है ना, या ओनली टू, या इट इज ए नेटिव स्पीशीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री है ना, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है ना, ये रीजन उसने जब आइडेंटिफाई कर दिए। लिखिए बच्चे कंसर्न्स, नंबर 1 पॉलन फ्रॉम द ट्रीज, पॉलन POLLEN पॉलन फ्रॉम द ट्रीज ट्रिगर हेल्थ इश्यूज, लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, या अगर आप अमेरिकन सीरीज देखते हैं तो एस्मा एंड एलर्जीज। सेकेंड पॉइंट, द रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द ग्राउंड एंड एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमने अपनी केबल्स अंडरग्राउंड कर दी हैं, अब ये नोटिस में भी इसीलिए आया था कि वहां पे कोई प्रोजेक्ट चला नहीं लेकिन फिर भी केबल्स डैमेज हो गई थी। ये जो टॉपिक हाईलाइट हुआ है ना ये इस वजह से हुआ है, हेल्थ इश्यूज तो सेकंड बाद में पता लगे थे, मेन ये था, मतलब आपको अगर सही बात बताऊं मैं। थर्ड पॉइंट, द ट्री एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, बहुत आसान भाषा में लिखते हैं, द ट्री एब्जॉर्ब्स मोर वाटर देन सराउंडिंग स्पीशीज। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है बच्चे, सिंपल इनफ। और ये देखा हुआ ना ट्री आपने वैसे, हाँ ये कॉमन है, यहाँ भी जाने वाला है ये बहुत जल्दी। तो और फेज्ड मैनर में निकाला जाता है, ऐसा मत समझना कि पेड़ लगा हुआ तो काट देंगे, है ना। केरला ने 10 साल का टाइम दिया है। राइट, तो फेज्ड मैनर में जाता है बच्चे ये बाहर। ठीक है, तो ऐसा ही होगा अब भी कि पहले इसके आगे कोई और ट्री प्लांट किया जाएगा, है ना, और इवेंचुअली फिर पीछे वाले को जो है हटाया जाएगा वहां से ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स और सो, ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, है ना, पर नए नहीं आप लगा सकते अब, ये पक्का है। राइट, चले बच्चे आगे चले। टॉपिक नंबर 8 पे आ जाओ बच्चे। अब क्योंकि नेक्स्ट जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। पिछले कुछ सालों में जो एवरेज नंबर चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड का, दैट इज मोर देन 10,000। जो लास्ट डेटा हमारे पास था, आई थिंक 2021 का डेटा हमारे पास है अभी, ये NCRB का डेटा होता है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो,
राइट। तो जो लास्ट डेटा है 2021 का है वो 13,000 का डेटा है हमारे पास, जो लास्ट पीक हुआ है। स्टोरी हाईलाइट हुई है ड्यू टू कोटा, राइट। और बट कोटा की जो डेथ रेट है दैट इज़ अराउंड 35, जो पीक हुआ है ना, वो भी पेंडेमिक के दौरान जो पीक हुआ दैट वाज 35 डेथ्स। इंडिया की अगर आप पिक्चर देखते हो, इट इज़ क्लोज टू 13,000। तो ये एक कंसर्न है ना। और हाउएवर आप लोग अभी स्टूडेंट ही हो, बट UPSC डज नॉट थिंक सो। वो आपको एक ऐसी पोस्ट पे लगाना चाह रहा है जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बच्चा समझते हो, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे। तो कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसको उम्मीद गाइडलाइंस कहा जाता है, राइट। अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पथाइज, एम्पावर एंड डेवलप, है ना। हर वर्ड का कुछ मतलब है, हर वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर, राइट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बच्चे, दैट इज कि किसने ये इंट्रोड्यूस करी है गाइडलाइंस, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, राइट। और अगर PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसमें हम बात करेंगे तो वो पूछ सकते हैं कि उम्मीद गाइडलाइंस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, है ना। फिर वो अलग अलग चार ऑप्शन दे देंगे और एक होएगा सुसाइड प्रिवेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, PCS को इस एंगल से कवर करेगा। चलिए आप पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट कैन बी द फैक्टर्स बिहाइंड इट। यहां मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीज सुसाइड रिस्क। ठीक है, पार्टिसिपेट करना है इस कॉन्वर्सेशन में। हर जगह ही है, प्रेशर का ही सब पार्ट हो गया वो, पर इसी वजह से प्रेशर है। लैक ऑफ गाइडेंस या एनी मेंटरशिप और प्रीवियस एड्रेसल नहीं है। प्रॉब्लम सबको समझ में आ रही है ना, क्या चीज है, एक एक करके बताओ। अपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, प्रेशर। हाँ, एकेडमिक प्रेशर। अब एकेडमिक्स में क्या होता है कि आपका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब जे तुसी झोना लाया है ना, आप 6 महीने में काट दोगे उसको और आपके पास 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना जी। वेक के सवेरे जी जा खाली होए बटुए नु तोरी वांगू मूल हम काके बैजी ना, है ना, चोने दी ट्राली चिट्टी मंडी जी सवेरे। उसने 6 महीने पहले लगाया था, ठीक है, और 6 महीने में जेस्टेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स का जेस्टेशन नहीं है 6 महीने का। आप लोग जो आज मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, हो सकता है लाइफ में कभी भी ना पूछे कोई आपसे, हो सकता है आपको अगले साल पेपर में आए, हो सकता है उससे अगले साल पेपर में आए, राइट। और पेपर में अगर आपने वो वाला आंसर ठीक कर दिया तो पूरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जेस्टेशन पीरियड नहीं है। जब आप इनपुट देते हो और वर्सेस जब आपको आउटपुट मिलती है, राइट, तो जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा है और एकेडमिक्स में तो है ही नहीं एक तरह से, राइट। सो लिख लो यहाँ पे, ये हम फैक्टर्स कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप डिसएग्री करोगे मुझे बता देना, डिस्कस कर लेंगे। Either you will be corrected or I'll stand corrected, right? देखते हैं। नंबर वन, एकेडेमिक प्रेशर। एकेडेमिक प्रेशर मतलब आपको ना फील कराता है कि आप यूजलेस हो। एलियनेशन, अरे वाह, काल मार्क्स सर की एंट्री होते हुए क्लास में। हाँ, वो डिजाइन ऐसे किया गया, काल मार्क्स तो कहेगा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट इज डिजाइंड टू मेक यू फील यूजलेस, ताकि आप कम पैसों में काम कर दो। इट इज डिजाइंड दैट वे, राइट। एक तरीका है ये देखने का उसको। एकेडमिक प्रेशर क्यों होता है, एकेडमिक प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की ज्यादा है, मतलब वही बेसिक पॉइंट्स, राइट। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, ये सारा आपका एकेडमिक प्रेशर में आता है। और आपने क्या बताया था, उसको हम लैक ऑफ सपोर्ट में डाल देते हैं, है ना, उसमें सारा आ जाएगा, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेकंड इज लैक ऑफ सपोर्ट, जहां पे भी आप लोग डिसएग्री करोगे बता देना। अब
सोसाइटी बच्चे ऐसे ही काम करती है, जब तक आपको बुखार नहीं आएगा आप तब तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाओगे। जब आपको बुखार आता है ब्लड टेस्ट कराते हो, फिर आपको डॉक्टर बोलता है अरे आपका तो एचबी भी बहुत कम है, एचबी भी बहुत कम है, वो पहले से कम था। सो सोसाइटी कुछ सिम्टम्स देके ना चीज़ों को करती है। दैट इज़ वाई एक थ्योरी है सोशियोलॉजी में जिसमें क्राइम को फंक्शनल बताया गया है कि अगर क्राइम होना बंद हो जाएगा तो सोसाइटी चलनी बंद हो जाएगी। और बताओ, लैक ऑफ सपोर्ट लिख लीजिए, लैक ऑफ सपोर्ट में सारा आ गया। ठीक है दीदी, ये ना फ्रेश भर के दे दो मेरे को, ये पुराना है ये। हाँ ये कुछ, हाँ ये तो मैं रख लो, ये भी मेरे को भर के दे देना प्लीज, थैंक यू। लोनलीनेस बोला किसी ने, सुना ही दिया मुझे दबी सी एक लोनली आवाज, लोनलीनेस। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करो, और लोनलीनेस बहुत स्पेसिफिक है। हाँ जी, कैन वी कॉल इट आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, है ना, लिख लो, अच्छा पॉइंट है, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। दो बड़े अच्छे पॉइंट्स आए हैं ऑनलाइन, कोमल ने दिए यहाँ पे, डिविएशन फ्रॉम ट्रैक लीड्स टू गिल्ट, है ना। मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मानस जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसने बोला है कि सारी चीज़ें धुल जाती हैं, गिल्ट नहीं धुलता। आई थिंक गुरबाणी में भी लिखा हुआ है ये इन वन फॉर्म और दी अदर। आपके घर में कोई मरता है आप उसको भूल जाते हो, लेकिन आपने गलत काम किया होता है ना, इसकी गिल्ट आपके मन में आ जाए, आप उसको नहीं भूलते हो, राइट। अच्छा पॉइंट है। और लिखा उन्होंने लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दी एबनॉर्मल फीलिंग्स, कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, है ना, आपने आपको स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ। सोसाइटी, व्हेन वी कॉल कि सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन हो रही है, राइट, सो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स हो रही है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन ही है, जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, सोसाइटी क्या है, इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन यू गाइज, सोसाइटी इज़ नथिंग बट इंडिविजुअल्स की पेयरिंग ना, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मतलब आप कॉम्प्लेक्स हो रहे हो। तो अच्छा पॉइंट है, हम किस पे लिख रहे थे अभी, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, है ना। एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, घर पे बहुत सपोर्ट होती है, हाँ लिख सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज लिख ले, हेडिंग डाल लो मेंटल हेल्थ इश्यूज। वो टेररिज्म का कारण होगा वो, इट वॉन्ट टेक यू टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड, जिस सुसाइड की हम बात कर रहे हैं, ओवर इंडल्जेंस, उसमें सेल्फ को किसी और तरीके से खत्म किया जाता है। सी, ये जो एक्शन है ना सुसाइड, एक ऐसा एक्शन है जिसको एक्सट्रीम कहा जा सकता है, राइट, सो वो दूसरी तरफ का एक्सट्रीम है। ये सुसाइड बॉम्बर की अगर आप बात करो तो उधर को जाएगी बात, ये वो वाला नहीं है, ये बार बात करते हैं इस पे, किसके पार्ट पे, आपको लगता है कि वो लैक ऑफ सपोर्ट के अंदर कवर हो जाएगा। स्कीम्स भी हैं उसमें, लैक ऑफ सपोर्ट इन जनरल सपोर्ट जितना भी है, पॉइंट अच्छा है आपका। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स, हाँ डिप्रेशन, वो हमने लिखा क्या अभी, मेंटल हेल्थ इश्यूज लिखा ना, हाँ बच्चे उसमें कवर होगा वो, सही सही सोच रहे हो। फाइनेंस इंपॉर्टेंट, रोटी खाधी है कि नहीं, कली माँ पूछ दी, है ना, लिख लीजिए फाइनेंस, फाइनेंशियल कंसर्न्स। बाकी सारी प्रॉब्लम मेंटल होती है, एक ये ऐसा मुझे लगता है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी है जिसको दूर करने के लिए पैसा ही चाहिए होता है, बाकी सब सब हो जाता है।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज द ओनली वन जिसको मटेरियल लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि सोसाइटी ऑर्गेनाइज ऐसे हो रखी है. हाँ लिख लीजिए, फाइनेंशियल कंसर्न्स, नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड बेसिक लाइफ और ट्यूशन फीस फॉर दैट मैटर. और उससे होता यह है कि आप डेस्परेशन की तरफ जाते हो एक्सट्रीम, उससे ये होता है. और सोचो, आओ इसको वाइंड अप करते हैं फटाफट. इसको लैक ऑफ सपोर्ट में डाल सकते हैं हम, है ना, कि उसमें गाइडेंस नहीं है आपको. और इवन एक और भी बात है यहाँ पे, अभी अप टू रीसेंट टाइम्स ना हमारा वेदर फोरकास्टिंग भी अच्छा काम नहीं कर रही थी, और हमारे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट और ये जो लोग हैं इनका भी कुछ खास अभी तक ऐसे कोई बढ़ चढ़ के रोल दिखाई नहीं दिया है सोसाइटी में, बिकॉज टैलेंट पेनिट्रेशन यहाँ पे होता नहीं है. क्लास याद करो, जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे आपकी पुरानी क्लासेस के, ये वो, उनका सपना ही नहीं होगा कि साइकोलॉजिस्ट बनना है, मजबूरी है. तो आपको अच्छे वेदर प्रिडिक्शन करने वाले नहीं मिले, तो आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल सिचुएशन आपको नहीं देखने को मिली है, ल्यूक्रेटिव नहीं है ये, है ना. गुड पॉइंट. और अपने लेवल पे बताओ कुछ. हाँ वैसे हेल्थ इश्यूज में नहीं आ रहा है पॉइंट, पॉइंट अच्छा है ये. इसकी इसकी हेडिंग नहीं मेरे को समझ में आ रही है, पर अभी हाँ फिजिकल डिसेबिलिटी कर दो, लिख लो फिजिकल डिसेबिलिटी कॉमा बुलिंग एंड साइबर बुलिंग. आज का टच भी देना है ना, आज तो साइबर बुलिंग होती है. पंजाब जैसी स्टेट में आके क्यों नहीं बोल रहे वो पॉइंट एक आप, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, कितनी गलत स्टेटमेंट दी है ना अभी मैंने. स्टीरियोटाइप करा मैंने. हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इट इज बैक्ड बाय डेटा, स्टीरियोटाइप है तो है. स्टफ सब्सटेंस अब्यूज, अगर कहीं पर सब्सटेंस अब्यूज नहीं है तो वहां की पुलिस को चौकस रहने की जरूरत क्या है. अगर मेरा पॉइंट गलत है तो पंजाब पुलिस की गाइडलाइंस को वापस कर लेना चाहिए. अगर नहीं है सब्सटेंस अब्यूज तो पुलिस क्यों काम कर रही है फिर. अगर हिस्ट्री के अंदर कहीं पे किसी क्राइम के लिए हजारों साल पहले वो इंस्क्रिप्शन देख रहे थे, वहां पे क्राइम की अगर पनिशमेंट लिखी हुई है, डजंट दैट मीन कि वहां पे क्राइम होता था. यहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ मैंने कि यहां पोस्टर चिपकाना मना है, पुल के नीचे क्यों लिखा हुआ है खरड़ वाले. गेटिंग माई पॉइंट. हाँ इसको सटायर बोलते हैं जो हो रहा है अभी. और आखिरी चीज बता दो फिर चलते हैं आगे. एक चीज रह गई है. हाँ ये उम्मीद गाइडलाइन यही कर रही है, परफेक्ट. उम्मीद गाइडलाइन यही कर रही है. हाँ क्या करोगे इसको, थोड़ा सा मेरे को वो बना के दो, इसका पॉइंट बना के दो. हाँ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है लिख लो, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन. हाँ जी इनिशिएटिव्स तो आ रहे हैं वो, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी ना. सीपी आपका ये एनसीआरबी ने आपका डेटा निकाल दिया और आ रहा है बार बार और हाईलाइट भी हो रहा है. और ना एक बड़ा जाएं उस एंगल की तरफ, चले जाते हैं, जब भी बच्चों पे बात आती है ना हर एक स्पीशीज वायलेंट हो जाती है, क्योंकि टेक्निकली मतलब ह्यूमंस की एज बहुत कम होती है लेकिन ह्यूमैनिटी की एज इज बियॉन्ड योर एज, राइट. और आपकी एज ह्यूमैनिटी की एज कैसे प्रोपोगेट होती है, इज थ्रू द चिल्ड्रन ओनली. तो जब बच्चों पे बात आती है ना हर एक स्पीशीज जो है, चाहे वो वाइल्ड में हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो कोई भी हो,
मरीन लाइफ हो, वो बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती है, जस्ट बिकॉज कि पूरी स्पीशीज का सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आता है. अदरवाइज सिर्फ पेंडेमिक जब हिट हुआ ही हुआ था, आई थिंक 2019-20 का ये डेटा है, सिर्फ गुजरात नहीं, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, वहाँ पे 800% सुसाइड बढ़ गया था. 800% इन वन पर्टिकुलर मंथ, एक मंथ के अंदर, जितने पूरे साल में सुसाइड होती हैं उससे 8 गुना सुसाइड एक मंथ के अंदर हो गए थे वहाँ पे. इट डिड नॉट कवर द हेडलाइंस. ये कुछ कह रहे हैं क्या? ऑल राइट, एक आखिरी पॉइंट, डेट ट्रैप्स बच्चे हमने किया ना अभी, फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल कंसर्न्स में आ जाएगा, डेट ट्रैप सब कुछ उसमें आएगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हालांकि ऑक्सीमोरन है ये, है ना, दो ऐसे वर्ड को जोड़ देते हैं जो ओपोजिट होते हैं कुछ मतलब, या फिर जरूरत नहीं होती दोनों में से एक वर्ड की, है ना, जैसे हैप्पी मंडे, हाँ चाय टी, राइट. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के अंदर सिर्फ वो ही नहीं आ रही जिसकी वजह से आप लोग मुस्कुराते फिर रहे हो, इसमें फैमिली कंसर्न्स, दहेज हत्याएं और दहेज उत्पीड़न, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. वही है ना, जितना आपके हाथ में बर्तन होता है आप उतना ही पानी भर सकते हो उसमें, तो मेरा काम है आपका बर्तन बड़ा करना है ना, ज़्यादा पानी आया उसमें, पानी वही है, बर्तन वही है, वही तुम हो, वही हम है, कुछ नहीं बदलेगा, वर्ड्स तक सेम रहेंगे. नाउ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का मतलब सब कुछ है, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स, और आजकल लिव इन वगैरह वाली चीज़ें चल रही हैं जो, जिसके ऊपर गाइडलाइंस अब आनी शुरू हुई हैं, हाईलाइट 10 साल पहले हो गया था, गाइडलाइंस अब आनी शुरू हुई हैं, राइट. ठीक है, समझ में आ गया, साइबर बुलिंग का पॉइंट हमने डाल लिया इसमें, राइट. चलिए अब क्योंकि स्कूल्स के लिए है तो स्कूल स्पेसिफिक आ जाओ बच्चे. ये टॉपिक आपको इतनी डिटेल में इसलिए यहाँ पे डाला गया कि एथिक्स के अंदर अगर आपको कोई सवाल आता है तो इस तरीके से कवर किया जाता है उसको. मैं डालना भूल गया इसमें, पर इस टाइप की चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सिचुएशन दे दी जाती है और लास्ट में आपको कुछ करने को बोला जाता है, तो यू हैव टू बी हाईली स्पेसिफिक इन दैट, राइट. आइए, सेटिंग अप ऑफ वेलनेस टीम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. और इसके बाद में ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स एंड फैमिलीज, इन्होंने कहा है कि वंस अ ईयर ऐसे ओरिएंटेशन करनी है आपको जिसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट पेरेंट्स को बुला के उनको अवेयर करना है कि बच्चों के ये प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. स्कूल वेलनेस टीम जो कि इन चीजों को आइडेंटिफाई करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि थ्रू एन एनजीओ दैट आई वर्क फॉर, वहां पे हम लोग ना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर फ्री वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, चंडीगढ़ का हर स्कूल कवर किया हुआ है. एंड हम जब डेफिनेशन बताते हैं ना कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है, डेफिनेशन बताने के 2-3 कारण होते हैं कि आपके साथ हो तो नहीं रहा और आप किसी के साथ कर तो नहीं रहे, है ना, दोनों तीनों चीज़ें कवर होती है उसके अंदर, क्योंकि पता ही नहीं आपको डेफिनेशन क्या है. वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई लोगों की शक्लों के थ्रू कि किस किस बच्चे, कौन कौन बच्चा किस किस पॉइंट से रिलेट कर रहा है, एंड वी जस्ट क्वाइटली नोट डाउन देयर नेम्स, है ना, और बाद में जाके हम टीचर्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि इन इन बच्चों से आपको बात करनी ज़रूरी है, राइट. बट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑन दैट, साइड स्टेप करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि क्या बात करेंगे उनसे, किस तरीके से बात करेंगे, राइट. तो ये वाला पॉइंट वहां पे कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो इसकी एक्चुअल में कमी है ग्राउंड लेवल के ऊपर, राइट. चंडीगढ़ में अगर आप कुछ करवाना चाहते हो स्कूल्स में तो डीईओ के थ्रू करवाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है. नो एक्टिविटीज परमिटेड बाय देम मोस्टली, है ना, बहुत क्लोज रहते हैं स्कूल की बाउंड्री को लेके कि बाहर से कोई आए ना. लेकिन ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वो सामने से कई बार इनवाइट बुक कर देते हैं कि आप आगे करो, क्योंकि हमारे टीचर्स को नहीं पता कि कैसे बोलना है, राइट. तो कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है, सेम इज द केस विद सुसाइड, है ना, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्निंग साइंस एंड ऑल, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट आ जाता है. ठीक है बच्चे, और इसके अलावा अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बता दो आप.
कंपलसरी काउंसलर मेंटल हेल्थ का ये बोलना चाह रहे हो स्कूल्स में? ठीक है, कुछ कुछ स्कूल्स ने तो कर दिया ये, पर सेंट्रल गाइडलाइन नहीं आई है इसके ऊपर. ठीक है, और रेगुलेटिंग दी, ये आप इंटरनेट की बात कर रहे हो कि उसको रेगुलेट किया जाए. ठीक है, रेगुलेट वर्ड ठीक है यहाँ पे. अगर ये रिस्ट्रिक्ट बोलते फिर मैंने पकड़ लेता. समझो इस बात को, मैं आप पे नहीं बोल रहा हूँ, बात समझो. एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर दोगे तो मतलब आप फॉरवर्ड लुकिंग तो नहीं हो. एक समय पे किसी ने गाड़ियों को लेके भी रिस्ट्रिक्शन की बात करी होगी, चल रही हैं. हर बारी जब भी नया आइडिया, कोई भी नया आइडिया आता है, वहाँ पे जो कंजर्वेटिव सोच होती है उसको रोकने की कोशिश करती है. नेक्स्ट स्टेप इज AI, आएगा ही आएगा. आप अगर अपने आंसर्स में भी आप कहीं मेंशन करो ना, तो धज्जियाँ मत उड़ा देना उसकी, AI की. वो आ चुका है, ठीक है, नेगेटिव मत होना उसको लेके. जस्ट अ सजेशन. इसके अलावा और उनको कंपाइल करा जा सकता है, वन सिंगल पॉलिसी फ्रेमवर्क कहना चाह रहे हो. हाँ, गुड है, सही है. बेसिकली आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. देर आर मेनी हेल्पलाइन नंबर्स, देर आर मेनी अदर एजेंसीज विच आर वर्किंग फॉर इट. एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है इसको लेके, राइट. होम मिनिस्ट्री अलग से काम कर रही है, राइट. और सारे लोग अलग अलग एक्ट्स अलग अलग चीज़ें बताते हैं. कोई कंपनसेशन दे रहा है कोई एक्ट के थ्रू, है ना. अगर कोई वर्क प्लेस में सुसाइड कर रहा है तो कंपनसेशन दे रहा है. सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. हमको कंपाइल करने की जरूरत है ये सारी इन्फॉर्मेशन, है ना. सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत है. इंसेंटिव, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उनके काम को. ठीक है, इंसेंटिवाइज करोगे तो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाती है. आप आज कोई यूट्यूब के ऊपर काम शुरू करो अपना, है ना, कि चाहे वैसे ही आप ब्लॉग ही बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप तब तक रेगुलर नहीं होगे, मेरी गारंटी है, जब तक वो रेमुनरेटिव नहीं बनेगा. अदरवाइज आप शौकिया करोगे, जैसे ही आप उससे शौक से बाहर निकलोगे, है ना, शौक से पेशे में जाओगे, तो आप उसको रेगुलरली करोगे, राइट. तो इंसेंटिवाइज, वो बोल रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को इंसेंटिवाइज करके मेन स्ट्रीम कर दो. ठीक है, वेल एंड गुड. अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग पॉलिसी है. ये होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको DPI स्कूल्स समथिंग, ऐसे कोई टर्म हो. नहीं नहीं, नॉट दैट स्कूल, एक वो है, हाँ, एक पोस्ट है. PCS के बाद शायद आप लोग भी जा सकते हैं उसमें, हाँ, कुछ ऐसे में. आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग द नेम. तो उनके लेवल पे ये काम होता है. अच्छा, उस तरफ जा रहे हो आप, करप्शन. अच्छा, रेपो, वो क्योंकि रेपो लिंक्ड है वहां पे, तो मामला दबाया जाता है. वैसे तो रखना उनकी रेपो के लिए फायदेमंद है. स्पेशल पोस्ट मत रखो तभी, दैट इज वाई वी हैव रिटन कैपेसिटी बिल्डिंग. आपको स्पेशल टीचर नहीं रखना, करंट वाले को ट्रेन कर दो बस. हाँ हाँ, ट्रेनिंग दैट. अच्छा अच्छा, देखो मैंने आपको बहुत दफा ये चीज समझाई है, ऐसे टॉपिक्स में इमोशनल नहीं होना, कभी भी होना ही नहीं है. इसमें इमोशनल नहीं होना, अपने किसी लव्ड वन को इमेजिन नहीं कर लेना यहाँ पे, या खुद को सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.